हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर जीके क्लास एंड टुडे वी विल डू अवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्लांट फैक्ट्स। ओके, सो टुडे वी विल नो इन्फॉर्मेशन, सम फैक्ट्स अबाउट दी प्लांट्स। ओके, सो लेट्स सी दिस चैप्टर। सी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 7, प्लांट फैक्ट्स, and page number 18 and 19. So in the first picture you can see here there is a plant which is called Venus flytrap. Okay, so I will read this information. The long leaves of Venus flytrap appear like flowers to attract insects. They fold quickly to capture the insect that sit on them. The leaf reopens when the trapped insect has been digested. So this type of plants has very attractive leaves. ये दूसरे insect को attract करती है. Okay, and students, I'm going to show you a video clip of Venus flytrap. Okay, see. सी स्टूडेंट्स, इसकी लॉन्ग लीव्स दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के जैसे दिखाई देती है, और जब कोई इंसेक्ट्स इसके अंदर आकर बैठता है तो उस इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए जल्दी से मुड़ जाती है, और जब ये प्लांट इंसेक्ट को डाइजेस्टेड कर लेती है तो ये फिर से ओपन हो जाती है। ओके बेटा, नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज टच मी नॉट प्लांट। यू हैव सीन मोस्टली इन योर हाउसेस नियर बाय यू, दैट इज टच मी नॉट। इसे हिंदी में बेटा हम छुई मुई पौधा भी कहते हैं। व्हेन वी टच दिस लीव्स ऑफ प्लांट दे गेट क्लोज, और जब हम इसकी पत्तियों को टच करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है और फिर से ओपन भी हो जाती है ना। सी वीडियो बेटा। सी स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो इसकी लीव्स बंद होने लगती है। देखो, आप सब देख रहे हो ना कि कैसे इसकी लीव्स धीमे धीमे बंद होने लगी है ना। और बेटा, जब बहुत गर्मी भी होती है तब भी इसकी लीव्स धीमे धीमे ऐसे ही बंद होने लगती है, और हम बेटा ऐसे ही टच करते हैं तो ये ऐसे ही मुड़ने लगती है। तो ये बेटा इसलिए ऐसा करती है क्योंकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। देखो बेटा कैसे बेंड होती है और फिर बंद हो जाती है ना। और ये प्लांट दूसरे किसी इंसेक्ट्स को खाती नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड नंबर, दी रेफ्लेसिया। ओके, The Rafflesia is the world's largest flower, found in Malaysia and Indonesia. It is about 1 meter wide and weighs up to 11 kg. Its leaves, root or stem cannot be seen. It smells like rotten meat, which attract insects. Okay, see, it is world's largest flower. ये मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वीडियो। ये फ्लावर 1 मीटर लंबा और चौड़ा होता है। ये राउंड शेप का होता है बेटा, और इसका वेट अबाउट 11 kg या 11 kg से भी ज़्यादा होता है, और इसकी लीव्स, रूट और स्टेम नहीं दिखाई देती है। सी, और ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, ऐसे प्लांट जैसे ये फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट पे उगता है और उस प्लांट पे ही अपना फूड लेता है। ठीक है, और बेटा इसमें से कैसी स्मेल आती है, जैसे रोटेन मीट, इट मीन्स जैसे एकदम सड़ा हुआ मीट होता है ना, ऐसी एकदम बैड स्मेल आती है। और बेटा इसकी स्मेल की वजह से
आसपास के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो इससे अट्रैक्ट होके इसके पास आते हैं और जैसे ही इसके ऊपर आकर बैठते हैं वो बंद हो जाता है और उन इंसेक्ट्स को खा जाता है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डांसिंग प्लांट। ओके, द डांसिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द टेलीग्राफ प्लांट। The plant is known for the up and down movement for its leaves, which seems as if the plant is dancing. Its dancing effect occurs only in the sunlight. Okay, बेटा, so बेटा आपने ऐसा plant देखा होगा शायद। आप जब इसको हम sunlight में रखते हैं तो इसकी leaves up and down होने लगती है ना, और so दिस टाइप ऑफ प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द डांसिंग प्लांट। ओके बेटा, बेटा इसकी एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, इट मीन्स इसका एक खिलौना बनाया जाता है। सो दी मोस्टली पुटिंग दी कार, आपने किसी की कार में देखा होगा ऐसा छोटा सा प्लांट रखा होता है ना, जिसमें 3 लीव्स होती है ना, और वो लीव्स ऊपर नीचे हिलती रहती है। ओके, पॉइंट फोटोसिंथेसिस। ओके, मीन्स लाइट फोटो यूज टू मेक समथिंग प्रोसेस। सो सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस। जो बेटा लाइट से कोई चीज बनाई जाती है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट नीड फॉर बेसिक थिंग्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट और कलर and carbon dioxide from air. During this process, plant give out oxygen and water vapor. So बेटा, plant को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? Sunlight, water and chlorophyll. So chlorophyll means, chlorophyll is a green pigment in the plant leaves, ना? जो plant का जो green color होता है बेटा, वो chlorophyll की वजह से होता है। Okay बेटा? और प्लांट को जो कार्बन चाहिए होता है वो एयर से मिल जाता है। ओके बेटा, सी वीडियो बेटा। रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं। जैसे बेटा हम लोगों सांस लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? तो हम इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं ना, तो क्या वैसे ही प्लांट भी करते हैं? यस, तो प्लांट भी ऐसे ही करते हैं ना। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, बट प्लांट इसका जस्ट उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। सो इट हेल्प्स द प्लांट टू यूज द फूड प्रिपेयर बाय देम एज एनर्जी। इन दिस प्रोसेस प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेटा, नो, इट्स अ रिटर्न ऑपोजिट। इन दिस प्रोसेस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव
ऑक्सीजन। ओके बेटा, कम टू लास्ट पॉइंट, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रू देयर लीव्स। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो बेटा ट्रांसपिरेशन मीन्स वन एग्जाम्पल, आप गर्मी में बेटा खड़े होते हो तो आपको क्या निकलने लगता है, पसीना, राइट? तो यू स्टार्टिंग स्वेटिंग। सो स्वेटिंग मीन्स ट्रांसपिरेशन। दैट इज ऑल्सो द प्लांट ऑल्सो दे कीप ऑन स्वेटिंग एंड लूजिंग वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। ओके बेटा, नाउ कम टू क्विक क्विज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन इट्स सीड्स। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है बेटा जिसमें से हमें सीड्स मिलता है, टेल मी। यस, फ्रूट। सो स्पेलिंग इज FRUIT, फ्रूट। ओके, नाउ सेकेंड, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैरीज इट्स फूड ऑफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू फूड अदर प्लांट में जाता है, सो टेल मी आंसर फास्ट। यस, स्टेम ना, स्टेम के थ्रू क्या होता है बेटा, जो फूड होता है वो अदर प्लांट में जाता है ना। सो आंसर इज स्टेम, STEM, स्टेम। नाउ थर्ड नंबर, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच हेल्प इट ग्रो अ न्यू प्लांट। सो बेटा, अगर हमको दूसरा प्लांट उगाना हो तो हम क्या करेंगे, सीड डालेंगे ना। यस, तो उससे क्या होगा, सीड की हेल्प से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं ना। सो आंसर इज सीड। स्पेलिंग SEED, सीड। ओके, फोर नंबर, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सो बेटा, इट्स रूट। रूट हमारे ज़मीन के नीचे होती है और वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है ना, इसमें प्लांट को वाटर मिलता है। सो आंसर इज रूट। स्पेलिंग ROOT, रूट। ओके, नेक्स्ट, फाइव नंबर, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इट इज ब्रीथ। सो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लीव्स में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर देता है। ओके, सो आंसर क्या आएगा इसमें, लीव्स। स्पेलिंग LEAVES, लीव्स। ओके बेटा, सो दिस फिनिश द एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।